हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अनुबंध से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान पढ़ रहे थे। उन वैधानिक नियम या प्रावधान के अंदर आज हम पढ़ेंगे तीसरा प्रावधान या नियम, जिसमें तीसरा है प्रतिफल वचन ग्रहिता। प्रतिफल वचन ग्रहिता, प्रतिफल वचन ग्रहिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वचन ग्रहिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक प्रतिफल से संबंधित जो वैधानिक नियम या प्रावधान पढ़े, जिसमें पहला वैधानिक नियम या प्रावधान था कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, कि जो प्रतिफल है वह हमेशा वचनदाता की इच्छा पर निर्भर होता है। अर्थात इसमें वचनदाता की इच्छा के अनुसार एक दूसरे पक्षकार को प्रतिफल दिया और लिया जाना चाहिए। दूसरा जो नियम या प्रावधान हम पढ़े थे, वो नियम या प्रावधान था कि प्रतिफल से जरूरी नहीं है कि वचनदाता को स्वयं को ही लाभ होना आवश्यक नहीं है। दूसरे प्रावधान में हमने देखा था कि प्रतिफल है उससे ये जरूरी नहीं है कि जो प्राप्त होने वाला जो लाभ है वह वचनदाता को ही प्राप्त हो, उसके अलावा किसी अन्य जो पक्षकार है उसको भी उसका जो लाभ है वो प्राप्त हो सकता है। और आज हम तीसरा नियम या प्रावधान पढ़ेंगे, वो नियम या प्रावधान है कि प्रतिफल है वह वचन ग्रहिता स्वयं के द्वारा, या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है प्रावधान में कि प्रतिफल है वह केवल वचन ग्रहिता ही दूसरे पक्षकार को दे, वचन ग्रहिता की तरफ से कोई अन्य जो व्यक्ति है वह भी दूसरे पक्षकार को प्रतिफल दे सकता है। देखिए, प्रतिफल वचन ग्रहिता अथवा प्रतिफल वचन ग्रहिता अथवा जो प्रतिफल है वह वचन ग्रहिता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है यदि वचन ग्रहिता की ओर से वचन ग्रहिता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है, किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है और वह प्रतिफल वचनदाता की और वह प्रतिफल वचनदाता की इच्छा के
अनुसार है, अनुसार है तो प्रतिफल वैध माना जाएगा, तो प्रतिफल वैध माना जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों इधर ध्यान देंगे, प्रतिफल से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान है, उन वैधानिक नियम या प्रावधानों में हम अब आगे देखेंगे जो तीसरा वैधानिक नियम या प्रावधान है वो क्या है। इसमें बताया गया है कि प्रतिफल वचन ग्रहिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिफल में ये जरूरी नहीं है कि प्रतिफल हमेशा वचन ग्रहिता के द्वारा ही दिया जाए, वचन ग्रहिता की तरफ से अन्य जो कोई व्यक्ति है वह भी क्या कर सकता है, वचनदाता को प्रतिफल दे सकता है। देखिए प्रतिफल वचन ग्रहिता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है, कि जो प्रतिफल है वह या तो स्वयं वचन ग्रहिता के द्वारा अथवा वचन ग्रहिता के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। यदि वचन ग्रहिता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है, अगर वचन ग्रहिता की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति है जिसने प्रतिफल दिया है और वह प्रतिफल वचनदाता की इच्छा के अनुसार है, और दिया गया जो प्रतिफल है वह यदि वचनदाता की इच्छा के अनुसार है तो प्रतिफल हमेशा वैध प्रतिफल माना जाएगा, अर्थात इस प्रतिफल को कानून के अनुसार वैध माना जाता है। अगला बिंदु है चौथा, जो बिंदु है वो देखिए चौथा बिंदु है प्रतिफल सकारात्मक, प्रतिफल सकारात्मक, प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक, प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों में से सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्यारे विद्यार्थियों प्रतिफल से संबंधित वैधानिक नियम या प्रावधान हम पढ़ रहे थे, उन प्रावधानों में चौथा जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि प्रतिफल सकारात्मक भी हो सकता है अथवा नकारात्मक भी हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिफल का सकारात्मक होना जरूरी है। इधर ध्यान देंगे, जैसे कि जो प्रतिफल है उसमें अगर हम किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए प्रतिफल देते हैं, प्रतिफल देते हैं तो वह प्रतिफल सकारात्मक तो वह प्रतिफल सकारात्मक प्रतिफल होता है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे पक्षकार को प्रतिफल देते हैं तो उस प्रतिफल को सकारात्मक प्रतिफल कहा जाता है। जैसे राम है वह यदि शाम को बाजार जाने के लिए 500 रुपए देता है तो यह एक सकारात्मक प्रतिफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें राम है
वह शाम को कोई कार्य करने के लिए क्या कर रहा है, प्रतिफल दे रहा है, इसलिए यह एक क्या होगा, यह एक सकारात्मक प्रतिफल होगा। लेकिन इसके विपरीत, इधर ध्यान देंगे कि इसके विपरीत, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिफल है वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसके विपरीत मान लीजिए किन्हीं दो पक्षकारों के मध्य, दो पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद हो जाता है, आपसी विवाद हो जाता है तथा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दावा करने से मना करता है, मना करता है या दावा नहीं करने, दावा नहीं करने के बदले कुछ प्रतिफल देता है, देता है तो यह एक नकारात्मक प्रतिफल होता है। देखिए प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रतिफल है वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे सकारात्मक का मतलब है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई कार्य करने के लिए यदि प्रतिफल देता है तो उसे सकारात्मक प्रतिफल कहा जाता है, और यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई कार्य नहीं करने के लिए कुछ प्रतिफल देता है तो उसे नकारात्मक प्रतिफल कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि जो राम है वह श्याम को बाजार जाने के लिए कितने रुपए दे रहा है, 500 रुपए दे रहा है। यहाँ पर यह राम है वह श्याम से क्या करवा रहा है, कार्य करवा रहा है। जबकि दूसरा मैंने आपको बताया कि दो पक्षकारों के मध्य यदि आपसी कोई विवाद हो जाता है और उस विवाद के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दावा करता है या न्यायालय में केस करता है तथा दूसरा पक्षकार उसे केस करने से मना करता है या केस करने के लिए नहीं कहता है और उसकी एवज में उसे कुछ प्रतिफल देता है तो वहां पर प्रतिफल कैसा होगा, नकारात्मक प्रतिफल होगा। अगला है प्रतिफल भूत वर्तमान, प्रतिफल भूत वर्तमान। पांचवा जो प्रावधान है वो है प्रतिफल भूत वर्तमान, प्रतिफल भूत वर्तमान अथवा भावी किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिफल से संबंधित जो वैधानिक नियम या प्रावधान है उन नियम या प्रावधानों में जो चौथा प्रावधान है वो ये है कि जो प्रतिफल है वह भूतकाल से संबंधित हो सकता है, वर्तमान से संबंधित हो सकता है या भविष्य से संबंधित हो सकता है। उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि जो प्रतिफल है वह हमेशा ही वर्तमान से संबंधित हो। इसमें प्रतिफल भूत वर्तमान अथवा भविष्य से संबंधित किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए प्रतिफल भूत वर्तमान, प्रतिफल भूत वर्तमान या
भावी किसी भी प्रकार का भी प्रकार का हो सकता है। प्रतिफल में वर्तमान समय का होना जरूरी नहीं है। प्रतिफल चाहे भूतकाल से संबंधित हो, वर्तमान काल से संबंधित हो या भविष्य काल से संबंधित हो, इसमें वर्तमान काल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में